उठाते हैं इसको, भाई मर गया है। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया भाई बिना नहाए धोए, 10 बजे उठा आज मैं, और अभी 11 बजने वाले हैं। तो स्कूटी भाई दीक्षित भाई वहाँ है, तो दीक्षित भाई ने स्कूटी है, स्कूटी का बहुत शौक है दीक्षित को, सुबह लग जाता है भाई चलाने। और कैमरा मैन हमारे अक्षित भाई हैं, बहुत बहुत थैंक यू भाई, सुबह सुबह आपने मेरा ब्लॉग शूट किया। तो अक्षित भाई आप भी हाय कर दो। हाय गाइस। तो अभी हमने कहाँ जाना है भाई? भाई हम गाड़ी तक जा रहे थे। हाँ गाड़ी तक, उसको धूप जैसे लगा लेते हैं। हाँ धूप है तो धूप में ही है गाड़ी, बट कुछ सीन है वो बताता हूँ मैं नीचे चल के आपको, कि गाड़ी से भाई क्या निकल रहा है, क्या हो रहा है साइडों से बारिश में, वो क्या वो गाइस गाड़ी का शीशा खुला रह गया था ना। हाँ हाँ, उस वजह से उसके यहाँ पानी आ गया अंदर। तो भाई क्या करते हो आप, थोड़ा ध्यान रखा करो। लगा इतना बारिश भी 2-3 दिन तगड़े वाली हुई है, अंदर घुस गया पानी। हाँ भाई थोड़ा हल्का जैसा आया नीचे मैट के पास। अच्छा तो फिर तब अब थोड़ा धूप में लगाते हैं उसको, तो दिखाते हैं आपको नीचे चल के। खोलो भाई, बताओ फिर कहाँ से क्या सीन हो गया है भाई। परे वाले साइड से देखो आप खोल के। अच्छा दूसरी साइड से। हाँ ये नीचे भाई। अच्छा ये। हाँ हाँ भाई ये तो भाई कितना गीला हो गया ये। दूसरी साइड को लगाओ घुमा के गाड़ी ना। हाँ, वैसे कर रहा हूँ। फिर ऐसा अगर गाड़ी बंद भी रहेगी तब भी धूप लग ही जाएगी। बस 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 ठीक है यहाँ, क्योंकि इस साइड से धूप भी है और हैवी सी साइड को है तो सूख ही जाएगा। धूप नहीं आ रही सर ना? धूप तो आ रही है भाई। भाई उतने तरीके से लगाता हूं। तरीके से लगाओ फिर। कहाँ भाई नहीं आएगी। हाँ अब ठीक है। पीछे देखना। पीछे आन दो भाई, इसको खोल लो भाई, अब ठीक है। ठीक है। हाँ अब आ रही है। तू कर दो बंद। कर दो कर दो बंद। थोड़ा बहुत सूख गया ये। कर दूं भाई बंद? कर दो जी कर दो। कर देते हैं बंद भाई। गाड़ी तो बेरहम तरीके से लगी है। चलो ठीक है, थोड़ी धूप भी लग जाएगी अंदर की तरफ। बिल्कुल भाई। इस वाली साइड को गीला भी तो यहीं से ही है। काफी तेज थी ना दो तीन। हाँ तो चले भाई, चलते हैं भाई। तो घर जा रहे हैं। अक्षित भाई स्मेल आ रही है, लग रहा है आपको भी? हाँ भाई थोड़ी 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 आ रही है, मरी हुई ऐसा लग रहा है। तो भाई देखो जरा, मेरे को ज्यादा आ रही है अभी तो, जैसे हम आगे जा रहे हैं। तो भाई वो चीज़ क्या है वहाँ? हाँ सब। ओ भाई मेरे को लगता है वहाँ पे मरा हुआ है कुछ। तो बोरी डाली है। हाँ बोरी दी है, तो देखें चल के। तो पहले उनसे पूछ। चलते हैं। चलो भाई, गीला गीला हुआ हुआ यहाँ पे भाई। ये क्या चीज़ मरी है, उठाओ वाला कपड़ा। उठाओ खुद उठाओ। मैं उठाऊँ? मेरे को डर लगता है भाई। भाई मैं उठा देता हूँ वो। भाई कुत्ता मरा हुआ है। ओह शिट मैन, दबाना है फिर भाई? दबाना तो पड़ेगा। दबाना पड़ेगा ना, दबा देते हैं इसको। तो किसी ने ये बोरी रख के की है शायद। हाँ भाई, तो ऐसे हम जिस रास्ते चल रहे थे तो ये कोई डॉगी मरा है। किसी ने इस पे बोरी रख दी है ताकि स्मेल ना आए। हाँ और तो भाई ये बहुत ही दुख भरी बात है कि लोग दबाते नहीं है, खुद सही बात बोरी रख के चल जाते हैं। हाँ वो तो हम जा रहे थे घर तो स्मेल आई हमें। अच्छा दबड़ा की दादी पड़ोसियों से हम गेंती भी ले आए दबाने के लिए, और ये कपड़ा भी है, बाकी नमक ला रहे हैं अभी है ना। हाँ भाई नमक ला रहे हैं। उठाते हैं इसको भाई, मर गया है ये। परे वाले साइड पकड़। उठा लो। तो हमने चादर में लपेट लिया है, आगे अक्षित भाई चले हैं। और हाँ जी, ये इसको दबाने के लिए कुदाल। हाँ हाँ ले ली थी। और आगे नमक भी पकड़ा हुआ है नानी जी ने। बहुत दुख भरी खबर है। हाँ
भाई अगर दिखे तो दबा दिया करो, क्यों भाई फोन होता है ऐसे ही, अगर कोई देखता नहीं इसको अगर दबाता नहीं तो सड़ जाता है यहीं, इसमें कीड़े पड़ जाने थे और ये बीमारियों का भी खतरा है। और तो दुनिया का सबसे बड़ा फोन है भाई, अगर हम नहीं देखते, अगर हमें स्मेल ही नहीं आती तो पता भी नहीं लगना था। हाँ भाई इसमें भाई कीड़े लग जाने थे। हाँ मेन बात ये नहीं होती भाई, मेन होती है कि आपको कोई चीज़ दिख रही है आप उसको नज़रअंदाज ना करें। हाँ भाई दिखे तो भाई दबा दो, अब हाँ। जाने वाला तो चला गया, बाकी उसकी बॉडी है उसको तो दबा दो कम से कम। मनप्रीत भाई लग गया फुल पावर, बेचारा मनप्रीत भाई। हाउ द जोश भाई? ठीक है, शक्ल तो दिखा दो, दिखाओ क्या दिखाना भाई, पसीने आ गए भाई के, हार्ड वर्क पुन। तो खड्डा कर दिया हमने गहरा, चलो राजी रखो, तो अब डालेंगे डॉगी को खड्डे के अंदर। क्या करे, गहरा कर ले, थोड़ा कर ले और थोड़ा कर लेते, आएगा नहीं भाई ये ना, ना। तो थोड़ा गहरा हमने और कर दिया भाई, अब तो आ जाएगा भाई जी, आ जाएगा फुल। चलो भाई आ गया भाई, नमक ले लो भाई, खोलो भाई पैकेट। तो गाइस कभी भी आप कोई चीज़ दबाते हो तो उसके ऊपर नमक डाल देना चाहिए, जिससे इनकी हड्डियाँ होती है वो पिघल जाती, जाती है, पिघल जाती है, जिससे कोई जानवर इनको दोबारा खोद ना सके। हाँ भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हाँ जी हाँ जी, पैकेट कर दो ना, पैकेट निकाल दो भाई, और ये भी दे देते हैं ऊपर से, ऊपर से दे देते हैं, भगवान आत्मा को शांति दे। हाँ जी हाँ जी, स्वर्ग में जाए, जय श्री राम। कर दो भाई मिट्टी धीरे धीरे धीरे। मनप्रीत भाई कर रहे हैं इसको ढक रहे हैं, ये फोन पकड़ो आप, थोड़ा मैं कर लेता हूँ। हमने झाड़ कबाड़ और कांटे भी लगा दिए, ऊपर से पत्थर भी रख दिए, जिससे कोई जानवर आएगा और वो खोद नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो खोदने लगेगा उसको कांटे लग जाएंगे। हाँ। भाई थक गए यार, भाई मुंह का आप देख ही सकते हो हालत खराब हो गई। तो वैसे हम ना चाहते हुए भी हम इसको अगर नहीं कर सकते थे, हम जब कोई और लोग नहीं कर रहे, कोई लोग सोचते तो हम भी क्यों करें। बिल्कुल भाई, भाई ये बहुत गलत बात है, किसी की देख रेख में नहीं चलना चाहिए कभी भी। सही बात है भाई, और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। बिल्कुल भाई, कर्म करो भाई, कर्म करने में दुनिया है। सही बात है, अपने कर्म करोगे हाँ, क्या पता भगवान आपको उसका फल अच्छा दे। बिल्कुल भाई, यहीं से निकले, अभी जा रहे घर को, हाथ भी गंदे हुए हैं, उनको भी वॉश कर लेंगे। और अगर कोई जानवर जीवित मिलता है आपको, जैसे मान लो चोट लगी है कुछ भी, तो आप उसको रेस्क्यू करो, अगर कोई बेचारा मर गया है तो भाई उसको आप दबा दो। अगर मान लो मेन हाईवे पे है, कहीं रोड की साइड है, अगर आप दबा नहीं सकते तो उसको कम से कम साइड तो कर ही सकते हो आप, कि उस पर कोई गाड़ी ना चढ़ पाए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। तो गाइज रेडी हो जाते हैं रील्स वगैरह बनाने के लिए, तो आज डाला जाएगा कुर्ता पजामा, प्रेस कर रहा हूँ अभी कुर्ते पजामे को, रेडी भी मैं हो गया, कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके जरूर बताना। हाफ जैकेट डाल लेते हैं ऊपर से, तो जैकेट निकाल लेते हैं हाफ वाली, तो ये है इसको डालेंगे, तो जैकेट भी डाल ली, बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं कमेंट में जरूर बताओ यार, जूती भी डाल ली। तो आपको कुर्ता पजामा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना, पहले आप शॉर्ट्स चेक करो जरा। आपको ड्रेसअप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अपना शूट भी हो गया,
गाड़ी के इंडिकेटर किए थे ऑन एक रील बनाने के लिए। भाई करो गाड़ी बंद, फिर चलते हैं। चश्मा यहाँ पे रखा हुआ था। शाम भी हो ही गई है, बाहर आज गए नहीं पता नहीं क्यों, यहाँ आके मेरा मन ही नहीं करता बाहर जाने का। कर दी भाई लॉक, चलें। तो मैंने कुर्ता पजामा खोल दिया। एक्चुअली सीन ऐसा रहता है, वाइट कपड़ा जल्दी खराब हो जाता है, तो आपको पता ही है। अक्षित भाई ने मैगी बना दी भाई, थैंक यू भाई। भाई कोई सीन नहीं, भाइयों के बीच चलता है थैंक यू की, क्या बात है इसमें। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैगी भी खा ली थी, बाकी भूख दोबारा लग गई तो टाइम ही हो रहा है, कुछ खा लेना चाहिए। साथ में अक्षित भाई है। भाई सो गया भाई, उठ जा। खाना नहीं खाना? अच्छा नींद आ रही है, खा ले थोड़ा सा, खा ले। अच्छा चलो, तो मैं कर लेता हूँ भाई डिनर फिर। ओके, डाल दिया घी शक्कर चावल के साथ, और अक्षित भाई भी आ गए अब खाना खाने। भाई लग गई भूख? हाँ अब लग गई, ऐसा एहसास हुआ था खा लेना चाहिए भाई, खा लेना। आधी रात को भूख लगती है। अच्छा उससे बढ़िया पहले खा, पहले ही खा लो फिर अपनी नींद पूरी करो। बिल्कुल भाई, खाएंगे घी शक्कर। हाँ जी, और काफी मेरे को अच्छा लगता है खाने में। अच्छा टेस्टी रहता है, टेस्टी भाई बेर है। और दीक्षित भाई भी साथ में बैठे हैं, ये भी घी शक्कर खा रहे हैं। सभी को मतलब घी शक्कर का ब्लॉग देख रहे हैं। हाँ, और भाई देखो ब्लॉग कॉपीराइट नहीं भाई, कॉपीराइट मर देना। नानी जी खाना परोस रहे हैं सभी को, भाई ब्लॉग देखा जा रहा है। थैंक यू भाई, तो डिनर कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। अक्षित भाई मलाई निकाल रहा हूँ यार, ये देख लो, मलाई नहीं खाता लड़का भाई। तो आज का दिन भी समाप्त करते हैं, और भाई कर दे ब्लॉग एंड फिर कर दो भाई, डीपर बज रहे हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। उम्मीद करता हूँ आज के इस नए ब्लॉग में आपको मजा आया हो। तो रात तो हो ही गई है भाई, नींद भी बहुत ज्यादा लग रही है, तो भाई गुड नाइट। गुड नाइट, और भाई को कमेंट करके बोल दो कि मलाई कम निकाला करो भाई। मलाई दूध भाई कुछ सतरंगी जैसा लगता है। सतरंगी भाई, ठीक है ये, चलो ठीक है फिर, बाय।